नमः गोविंदाय नमो नमः हरि अम्मा भवते तो वैनदौ सविवारतु महात्पुनम्यचित्रेण पवित्रेण सूरस स्वभी दशते पवित्रमदे पवित्रभूतश साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते छोड़ जगड़े जी हाँ प्रार्थना पूर्वक नमस्कार सबका मैं कहना बोलिए आप अपने बोलिए अनजा बोलिए आप अनजा पूजया गौरी गणेश वरुण देवता पूजनम हितोपचार मृतोपचार प्रियंता नाम हाल माता दिखा दीजिए नमा करमा हिता काया जगदादा हृदय साष्टांग मृत्यु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वरम यत पूजितम मजा देव परिपूर्णम तदस्तु मे आनंद के दाता आनंद के दाता आनंद के
हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हमारे घर में श्राद्ध का पूजा मतलब पिंड दान हो रहा है। यहाँ पे देखिए गुरु जी आ गए हैं, उनके पंडितों के गुरु जी हैं। यहाँ पे उनको माला फूल किया जा रहा है, उनकी पूजा रखी जाएगी। फिर उसके बाद उसके आगे आप लोग देखें कि आरती वारती वगैरह हुआ, पूजा हुआ, बैठा। अब यहाँ पे गुरु जी का किया जाएगा पूजा। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब मेरे पापा सक्षम के मामा जी यहाँ पे गुरुमुख हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए गुरुमुख हो चुके हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना माला इन्हें पहना दिया गया है कि आज सब लोग पैर वैर छोड़ेंगे, आप थोड़े टाइम की जब तक निकाल नहीं जाते ऐसी करेंगे बने रहेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से देखिए फल फूल कट रहा है और प्रसाद बटने के लिए सब कुछ पूजा वूजा हो गया है। अब बस पिंडदान बाकी रह गया। यहाँ पे देखिए वो जो मटका होता है उसमें ये चावल और दूध को पकाया गया है। उसके बाद हाँ, और ये उसका गोल गोल लड्डू की तरह बना के उसे इसे पिंडदान किया जाता है। यहाँ पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे मेरे पापा कर रहे हैं। और वैसे वैसे जितना भी हमारे पुरखा पुरनिया या जो बोला जाता है उनको उनके लिए, और एक्चुअली मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे दादाजी नहीं हैं, उनके लिए गया जी का वो किया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रखते हैं पिंड को, पिंडदान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उनको पूरा गांव घुमाया जाएगा, मतलब बाहर बाहर यहाँ से उठ जाएंगे नागपंचमी के दिन। अब ना कुछ खाना वाना नहीं है, फिर उसके बाद उठ जाएंगे पूरा गांव एकदम किनारे किनारे हो के, फिर उसके बाद निकलेंगे और फिर वहीं से वहीं गाड़ी से चले जाएंगे। क्या नाम है गया जी, मतलब कहीं होता होगा गया जी, मैं जानती नहीं हूँ, मतलब बिहार टाइप में वहाँ पे होता होगा। वहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे पिंडदान वगैरह करके सब, बहुत जगह वहाँ पे पिंडदान करना है, पता नहीं कहाँ कहाँ बनारस से होके पिंडदान करते हुए जाना है। फिर उसके बाद फिर आएँगे तब करते हवन 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 होगा सॉरी हवन हवन होगा। फिर उसके बाद अपना नॉर्मल हो जाएंगे, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी वगैरह खाना होता है इसमें। और क्या नाम है, जैसे जैसे यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं ना वैसे वैसे कर रहे हैं। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और आगे देखते रहिए फिल्म मैदान में कि आगे आगे क्या हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.